If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful, yeah. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गेट सेट डेकोरेट। मैं हूं नंदिनी, उड़ीसा राउरकेला से। मैं एक हाउसवाइफ हूं और डेली ब्लॉगिंग करती हूं। तो आज चलिए एक साथ मिलकर एक खूबसूरत जगह घूमकर आते हैं। और पिकनिक का मौसम है, पिकनिक का माहौल है, तो घूमने जाने का और फैमिली के साथ मौज मस्ती करने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो फिर चलिए चलते हैं और देखते हैं। हम लोग आ गए हैं खंडाधार। उड़ीसा में दो खंडाधार हैं, वाटरफॉल है, खंडाधार वाटरफॉल है, तो एक केंदुझर में है और एक सुंदरगढ़ में है। तो हम लोग जा रहे हैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो बणाई है, बणाई के पास है ये खंडाधार, तो वहीं पे हम जा रहे हैं, वही वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं। खंडाधार का मतलब है तलवार की धार। तो पानी का एक पतला सा धार ऊपर से नीचे की ओर बहता हुआ आता है, जो वाटरफॉल है, इसलिए उसका नाम है खंडाधार। हम लोग अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के लिए आपको टिकट करना पड़ता है, पर हेड 25 रुपीज़। और व्हीकल में आ रहे हैं आप, कार में आ रहे हैं, तो आपको गाड़ी का भी करना पड़ेगा टिकट, 50 रुपया। और अंदर आते ही आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा एक नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। और नेचर किसको पसंद नहीं है आप बताइए, पहाड़, जंगल, झरना, नदी, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं, ये वाटरफॉल का पानी नीचे आ रहा है बहते हुए, और इसको इस तरह से एक छोटा सा डैम की तरह इन्होंने बना दिया है कि जो लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं, नीचे इसका एंजॉय कर सकते हैं, इसका भरपूर मज़ा उठा सकते हैं, क्योंकि नीचे पिकनिक वगैरह कर रहे हैं सारे, तो यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। और अंदर बहुत सारे पेड़, और हर एक पेड़ में नाम लिखा गया है, जो बड़ा बड़ा पेड़ है ना, हर पेड़ में नाम लिखा गया है कि कौन सा पेड़ का नाम क्या है। और इस तरह से ये एक पार्क है, आप यहाँ पर बैठ के भी कुछ नाश्ता वगैरह भी खा सकते हैं, अपना टाइम भी पास कर सकते हैं। इस तरह से देखिए बहुत ही बढ़िया लगा। और ये जो जर्नी था हमारे लिए किसी भी एडवेंचर से कम नहीं था। और एडवेंचर क्यों है मैं आपको बताती हूँ। और चलिए अभी शुरू होने वाला है हमारा एडवेंचर। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमें पूरा वाटरफॉल के नज़दीक जाना है। और ये जो सीढ़ियाँ है, जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि 670 सीढ़ियाँ हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ बहुत स्टीप है, और हाइट एक दूसरे का जो सीढ़ियाँ है एक दूसरे से उसका हाइट बहुत ज़्यादा है, तो चढ़ते हुए बहुत ही थकान लग रही थी, पैरों में दर्द होने लग रहा था और मसल्स भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ऐसे नहीं कि हमें खाली हो रहा था, बहुत सारे जितने भी चढ़ रहे थे सभी बैठते हुए पानी पीते हुए ऊपर जा रहे थे। लेकिन अगर आप मेरा वैष्णो देवी मंदिर जो राउरकेला में है, वो भी पहाड़ के ऊपर है, और वहाँ पर भी 700 से 800 सीढ़ियाँ हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। उसका सीढ़ियाँ जो है बहुत ही पतला पतला लंबा था, तो आप आराम से चढ़ सकते हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। और हम लोग बैठते हुए किसी तरह से पानी पीते हुए बैठते हुए पहुंच गए, बहुत मुश्किल से, सभी को मुश्किल हो रहा था, सभी बहुत सारे लोग तो जो चढ़ नहीं सके आधे रास्ते से ही वापस चले गए। और यहाँ पे छोटा सा गुफा है, यहाँ पर राधा कृष्ण जी हैं और देखिए हनुमान जी हैं, इनको दर्शन करते हुए आगे चलते हैं। और अगर आप कभी भी आना चाहते हैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो बनाई में खंडाधार है, तो पानी का बोतल लेके जरूर चढ़ाई करें। पानी का बोतल नहीं होगा आपके पास तो आप बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा, बहुत प्यास लगती है जब सीढ़ियाँ चढ़। देखिए इस तरह से हम लोग बैठते हुए जा रहे हैं ऊपर, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, बहुत पता नहीं और कितना सीढ़ियाँ हैं, आधा दूर भी नहीं हुए हैं।
पानी पीते हुए बैठते हुए जा रहे हैं। 670 सीढ़ियाँ थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम लोग कई हजार सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। ये जो सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ रहे थे, ये सीढ़ियाँ शायद मेरे हिसाब से 1.5 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई होगी। तो आप सोच सकते हैं 1.5 से 2 किलोमीटर अगर सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ेंगे तो हमारा हालत क्या होगा। बाकी सभी का हालत ही समान था, सेम था, और बहुत ही मुश्किल से सब लोग चढ़ पा रहे थे। तो ये देखिए, हम लोग तो आधा दूर पहुंच गए हैं। हम लोग राउरकेला से आए हैं और राउरकेला से खंडाधार मुश्किल से 90 या 100 किलोमीटर के आसपास ही है। लेकिन ऊपर पहुंचते ही जो नज़ारा आप देखेंगे तो सारा थकावट चली जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों को भी वो नज़ारा मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और देखिए, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो उसके पास पहुंच जाएंगे। यहाँ से वाटरफॉल अभी दिख रहा है, लेकिन और थोड़ा सा ऊपर हमें चढ़ाई करना पड़ेगा। और पहुंच गए हम नज़दीक। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग एंजॉय कीजिए, उसका साउंड सुनिए कैसा लग रहा है। यहाँ पर लिखा है कि नहाना मना है। पहले यहाँ पर जाकर आप नहा सकते थे, लेकिन अभी मना है। तो हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे सेफ्टी के लिए होता है। और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग बैठ के फ़ोटो उठा रहे थे। हम लोग भी बहुत ज़्यादा टाइम रहे वहाँ पे, फ़ोटो उठाए। और झरना का जो पानी था, पानी का छींटा हमारे ऊपर आ रहा था, बहुत ही मज़ा लग रहा था। कुछ देर बैठे बातचीत के और नाश्ता लेके गए थे, समोसा बड़ा खाए, और अभी घर वापसी। तो घर चलने के लिए हम लोग रेडी हैं अभी। और चढ़ते वक्त जितना मुश्किल हो रहा था, उतरते वक्त बहुत आसानी से आप उतर सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो फिर चलिए चलते हैं, थोड़ा सा नज़ारा और देखेंगे और फिर घर की ओर रवाना होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, आप आके यहाँ पर रह भी सकते हैं, इको कॉटेज है, नेचर कैंप है। तो आपको दूर से आ रहे हैं तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगा, आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं।